और रांची में कैथोलिक समाज के लोगों ने क्रिस्त राजा पर्व को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली है। यात्रा संत मारिया गिरजाघर से निकाली गई, जो पुरोलिया रोड से सरजना चौक, अल्बर्ट एक्का प्लाजा चौक, लालपुर होते हुए डंगड़ा टोली चौक गया। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता सत्यव्रत किरण जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, देखिए आज का दिन कैथोलिक समुदाय के लोगों के लिए बेहद खास है, काफी धूमधाम से क्रिस्त राजा पर्व जो है वो मनाया जा रहा है, शोभा यात्रा निकाली जा रही है, और क्या कुछ विशेषताएं हैं जो आज के दिन हमें देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सही कहा सुष्मिता आपने कि कैथोलिक मतवालंबियों के द्वारा बड़े ही धूमधाम के साथ जो है वो राजधानी रांची में ख्रिस्त राजा पर्व जो है वो मनाया जाता है, और उस दौरान बड़ी भव्य शोभा यात्रा जो है वो निकाली जाती है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि यह शोभा यात्रा जो है वो अपने समापन स्थल यानी कि लोयला ग्राउंड के पास पहुंच चुकी है, और उस दौरान जो है सड़कों पर स्वागत के लिए जो लोग हैं वो मौजूद थे। इस पूरे शोभा यात्रा की जो है वो जमकर भव्य स्वागत की गई है। किसी भी लोग गैलेक्सी फर्नीचर मॉल से सजाएं अपने सपनों का घर, रांची का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ फर्नीचर मॉल, किफायती दाम पर बेहतरीन फर्नीचर उपलब्ध, अपने बेडरूम और ड्राइंग रूम को दे मॉडर्न लुक, फर्नीचर की खरीद पर 20% की छूट, लोगों को कोई परेशानी नहीं हो उसका विशेष ख्याल रखा जाता है। हमारे साथ पूरे शोभा यात्रा को के स्वागत में लगे हुए कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं कि राजधानी रांची में जो है वो ख्रिस्त राजा पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ख्रिस्त राजा पर्व क्रिसमस के आगमन के रूप में मनाया जाता है। ये संत मारिया महागिरजा से लेके लोयला तक भव्य जुलूस निकाला जाता है, जिस शोभा यात्रा के रूप में निकाला जाता है। इसमें सभी धर्म प्रांत के पल्ली में जितने धर्म प्रांत सभी अपना अपना विशेष झांकी निकालते हैं, और सब लोग देश की हित में झांकी का प्रस्तुति करते हैं। बिल्कुल, यह प्रार्थना है प्रभु ईसा मसीह परमपिता परमेश्वर से कि वो उनके समाज देश दुनिया की जो है को खुशहाल रखे, उन्नति करे। फिलहाल जो यह शोभा यात्रा है वो लोयला ग्राउंड पहुंच चुका है, यहाँ पर जो है वो विशेष प्रार्थना किया जाएगा। और इस पूरे शोभा यात्रा के दौरान सड़कों पर लोगों का जो एक हुजूम है वो देखने को मिला। इस शोभा यात्रा के स्वागत में लोग सड़कों के किनारे खड़े रहे, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पूरे शोभा यात्रा के दौरान एक जो लोगों के लिए बेहद आकर्षण का केंद्र बना रहा इस लोयला ग्राउंड के पास जो है वो एक धार्मिक झांकी की प्रस्तुति की गई है, और इस धार्मिक झांकी के प्रस्तुति में खासकर जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने हिस्सा लिया है। जानने की कोशिश करते हैं कि पवित्र घराना जो है वो झांकी के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई है, क्या है ये पवित्र घराना और क्या दिखाना चाह रहे हैं लोगों को? हमारे प्रभु येसु का जीवन बहुत ही गरीबी में बीता। उनके पिता है संत जोसेफ, माँ है माता मरिया। संत जोसेफ पिता एक बढ़ाई थे, वे लकड़ी का काम करते थे, दरवाजा खिड़की बनाते थे, उसमें छोटे प्रभु यीशु उसकी मदद करते थे। तो हमने यही दर्शाया है कि ये पवित्र घराना है, गरीबी में भी वो लोग खुशखुश हैं, पिता अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, माँ अपना घर का सिलाई पुनाई कर रही है, और छोटा यीशु अपने पिता की मदद कर रहा है। ये एक पवित्र घराना का प्रतीक चिन्ह है। बिल्कुल, प्रेरणा देते हैं प्रभु यीशु मसीह की कैसे गरीब घराने में रहकर भी उन्होंने समाज में जो योगदान किया, हमारे आपके लिए जो बलिदान दिया। उसके ठीक बगल में देख रहे हैं कि दाऊद और गोलियत की लड़ाई चल रही है। पुराने बाइबल में राजा दाऊद थे जो बहुत ही घमंडी थे और अपने समय के बहुत ही ताकतवर राजा थे। उन्होंने अपने युग में लोगों को खूब अपने ताकत से बल पर उन पर शासन किए। तब प्रभु के एक बंदे ने जिसे दाऊद कहा जाता है, उन्होंने उनको ललकारा और कहा मैं प्रभु का बंदा हूँ, मैं आपसे लड़ूंगे प्रभु के नाम पे। तो वो हंसने लगा, बोलना कि एक ढेलफास होके तुम मुझसे क्या लड़ाई करोगे। तो दाऊद ने कहा ईश्वर मेरे साथ है, और उन्होंने एक फंदा बनाया, उसमें ढेला का एक टुकड़ा लिया और दाऊद के ऊपर चलाया। इस तरह उन्होंने दाऊद को पराजित किया और दाऊद राजा की हार हो गई। हम ये दर्शाते हैं गोलियत और दाऊद की लड़ाई। बिल्कुल, क्या मांगा प्रभु ईसा मसीह परमपिता परमेश्वर से अपने लिए, समाज के लिए, देश दुनिया के लिए? सबसे पहले तो हमने परमपिता ईश्वर जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त से विश्व शांति की बात कही है। विश्व में अभी आप सबसे बड़ा
सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न है शांति। विश्व शांति के अलावा कुछ नहीं है। यदि हम एक रोटी नहीं खाए तब भी हम शांति से रह जाए तो इससे बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं है। आज के प्रभु के सबसे बड़ी है विश्व शांति। और एक विश्व शांति के लिए जो है वो प्रार्थना की जा रही है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि यह जो शोभा यात्रा है वो लोयला मैदान के पास पहुंच चुका है और अब इस पूरे भव्य शोभा यात्रा का समापन होगा। विशेष प्रार्थना सभा जो है वो लोयला मैदान में बुलाई गई है। ख्रिस्त राजा पर्व के अवसर पर कैथोलिक समाज के लोगों ने अपने लिए, देश दुनिया के लिए उन्नति, विकास और शांति की कामना प्रभु ईसा मसीह और परम पिता परमेश्वर से किया। सुष्मिता बिल्कुल सत्यव्रत, आपने काफी खूबसूरत तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। किस तरीके से भारी संख्या में इस वक्त जो है कैथोलिक समुदाय के लोग वहां पर शामिल हो रहे हैं और अपने ख्रिस्त राजा पर्व को लेकर ये जो शोभा यात्रा निकाली गई अब ये समापन की ओर है। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।